सबसे पहले मैं गांव के सभी बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, सभी को चरण वंदना करता हूं। और आज आपके गांव की पावन धरा पे मुझे आने का मौका मिला। प्रभु राम की जो कृपा हुई और आज का दिन है वो ऐतिहासिक दिन है। और ऐसा मुहूर्त शायद ही कभी सालों में कभी कभी आता है। और अब की बार जो 500 साल के अंदर जो है ना, प्रभु श्री राम जो है अयोध्या पधारे, साथ ही हमारे गांव के अंदर आज जो है ना शिव परिवार के इस पावन महोत्सव के ऊपर गांव के युवा साथियों ने मुझे भी आप लोगों के साथ मौका दिया, इसके लिए मैं इन सबका भी ऋणी रहूँगा। और सभी गांव के साथियों से और माताओं बहनों से, सभी से मैं कहना चाहूँगा कि मेरे लायक कोई भी काम हो, किसी भी तरीके का काम हो, मैं आपके काम आ सकूँ तो मुझे कभी भी आप लोग पुकारना। मैं दिल्ली कैंट से 2 बार MLA भी रहा हूँ और मुंबई अटैक के अंदर जो कमांडो हेलीकॉप्टरों से उतरे, उन कमांडो की टुकड़ी के अंदर पहला कमांडो कमांडो सुरेंद्र सिंह उतरने वाला था, उस सामने मुझे गोलियां भी लगी और वहाँ आतंकवादियों को, हमने 8 आतंकवादियों को वहाँ पे मारा था, जिसमें से 2 आतंकवादियों को मैंने खुद मारा। मुझे मौका मिला, मैं भी आप लोगों के ही बीच का एक किसान का बेटा हूँ और नज़दीक के गाँव छारा का रहने वाला हूँ। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए इस पावन अवसर पर एक बार पुनः फिर भगवान श्री राम के सभी आज सब मैं हैं और एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, बोल शक्ति राम चंद्र की जय की जय। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय, थैंक यू। और जहाँ अभी शिव परिवार को जहाँ मंदिर के अंदर हम विराजमान करेंगे, वही जो है जो जमीन है उसके ऊपर जो है युवाओं के लिए स्टेडियम बनाने के लिए मैं भी सरकार के साथ भरपूर प्रयास करूंगा और वहां बच्चों के लिए खेल का मैदान बनेगा। गांव की जमीन है और गांव के अंदर ही उसको इस्तेमाल करेंगे, उसको स्टेडियम बनाने के लिए पूरी ताकत लगेंगी और वही स्टेडियम बनाया जाए। जय हिंद।